एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन सीरीज फॉर सीएसआईआर नेट नवंबर 2020. दिस इज क्वेश्चन 85 फ्रॉम पार्ट सी. क्वेश्चन रीड करते हैं. लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप. विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन है, इफ जी फ्रॉम जी हैज ऑर्डर एम एंड इफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डिवाइड्स एम देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन. तो पूछा गया है कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर m है और n आप एक पॉजिटिव डिवाइजर ले रहे हो m का, तो क्या g के पास एक सब ग्रुप होता ऑर्डर n का. गिवन हमें क्या है, g का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ g इज m एंड n जो है वो एक पॉजिटिव डिवाइजर है m का, n डिवाइड कर रहे हैं m को. तो इट मीन्स दैट g से जो सब ग्रुप जनरेट हो रहा उसका ऑर्डर क्या आएगा. अगर एलिमेंट का ऑर्डर m होता है तो उससे जो सब ग्रुप जनरेट होते हैं वो साइक्लिक होते हैं और सेम ऑर्डर का होते हैं जो एलिमेंट का ऑर्डर है. तो इट मीन्स दैट ये जो सब ग्रुप हो रहा वो एक साइक्लिक सब ग्रुप हो रहा ऑर्डर m का. दिस इज द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर m. लेट से इस सब ग्रुप को आपने डिनोट किया h से. ओके, देन हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप का. फंडामेंटल थियरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप में क्या बोला जा रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. ये साइक्लिक ग्रुप आप या तो फाइनाइट लो या फिर इनफाइनाइट लो, हमेशा क्या होगा उसका हर एक सब ग्रुप भी क्या आएगा, साइक्लिक आएगा. एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. देन हम बात करते हैं अगर ग्रुप फाइनाइट भी हो, साइक्लिक तो है ही साथ में फाइनाइट भी हो, उस केस में आगे चीजें देख रहे हैं कि आगे चीजें कैसे बिहेव कर रही है. तो लेट्स से इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, सेम मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी है, उसको हमने डिनोट कर लिया टी से. ओके, देन बोला जाता है कि टी के हर एक पॉजिटिव डिवाइजर के कोरोस्पॉन्डेंट आपको एक यूनिट साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा उस ऑर्डर का. सो देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर के ऑफ टी G has a unit cyclic subgroup of order K. Okay. Then question पे आते हैं आप. H आपके पास set cyclic subgroup था जिसका order M था. It means that H जो है वो अपने आप में एक group है जिसका order क्या है, M है. H अपने आप में एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर m है एंड n जो है वो एक पॉजिटिव डिवाइजर है m का. तो बाय दिस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, H के पास एक सब ग्रुप होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जितना आएगा n आएगा. सो बाय दिस थ्योरम H हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. ओके, से इस सब ग्रुप को आपने डिनोट किया h से, k से. ओके, k जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है h का. h जो है वो एक सब ग्रुप है g का. इट मीन्स दैट k जो है वो एक सब ग्रुप g का भी हो रहा, क्योंकि तीनों पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, सेम है. तो k एक सब ग्रुप है g का जिसका ऑर्डर कितना है, n है. तो हम कह सकते हैं g है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. तो इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑप्शन जो हुआ वो क्या हुआ, ट्रू हुआ. देन ऑप्शन बी है, इफ फॉर एनी सब ग्रुप ए एंड बी ऑफ जी इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन जी इज साइक्लिक. जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दिया रहा है जिसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसके कोई भी दो सब ग्रुप्स ले रहे हो ए एंड बी, या तो ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है. तो पूछा रहा है क्या जी साइक्लिक हो रहा. तो एक बार क्वेश्चन को कट कर लेते हैं और यहाँ पे जो स्पेस कम है, तो हमें गिवन जो है वो क्या है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें या तो ए, जिसमें अगर आप दो सब ग्रुप्स ले रहे हो ए एंड बी, तो ए या तो ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है. पूछा रहा है कि जी साइक्लिक है या नहीं है. तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि
अदर लेट से आपने एम कोई भी नेचुरल नंबर लिया एंड मान लिया कि एम के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो ये है टी वन टी टू अप टू टी के जो है लेट से इसके सारे के सारे आप पॉजिटिव डिवाइजर्स ले रहे हो आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एम तो क्या होता है देन एम जो होगा वो किसके बराबर होगा फाइव टी वन प्लस फाइव टी टू अप टू प्लस फाइव टी के जैसे आपने नंबर लिया ट्वेल्व ट्वेल्व के पॉजिटिव डिवाइजर्स है वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व अब फाइव वन करेंगे प्लस फाइव टू करेंगे प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर प्लस फाइव सिक्स प्लस फाइव ट्वेल्व वो किसके बराबर आएगा ट्वेल्व के बराबर आएगा ये चीज़ आप चेक कर सकते हो ओके देन सेकेंड चीज है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है देन हम क्या कह सकते हैं जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जी के पास क्या हो एक एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो सो देयर एग्जिस्ट जी फ्रॉम जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी ओके तो हमें गिवन क्या था जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें अगर आप एच वन और एच टू दो सब ग्रुप्स ले रहे हो तो या तो एच वन एच टू का सबसेट है या फिर एच टू एच वन का सबसेट है तो सबसे पहली चीज हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के एट से ज़्यादा सब ग्रुप्स नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते लेट से आपने एच वन और एच टू दो सब ग्रुप्स लिए जिनका ऑर्डर क्या है एन है ओके एच वन और एच टू दो सब ग्रुप्स है जिनका ऑर्डर जो है वो सेम है तो इट मीन्स दैट गिवन क्या है या तो एच वन एच टू का सबसेट है या फिर एच टू एच वन का सबसेट है अब मान लिया कि एच वन एच टू का सबसेट है एच वन एच टू का सबसेट है दोनों की कार्डिनेलिटी क्या है फाइनाइट है और सेम है दोनों फाइनाइट सेट है सेम कार्डिनेलिटी के तो हमें पता है कि यहाँ से आप क्या डेट कर सकते हो कि एच वन इज इक्वल टू एच टू तो इट मीन्स दैट एक पर्टिकुलर ऑर्डर के एटमोस्ट कितने सब ग्रुप्स आने वाले हैं एट आने वाला है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर कैन नॉट बी मोर देन वन ओके तो इट मीन्स दैट लेट से मैंने क्या लिया अब ऑर्डर ऑफ जी को मान लेते हैं एक बार के लिए कि ग्रुप का जो ऑर्डर आप ले रहे हो जी एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर हमने मान लिया कि किसके बराबर है एम के बराबर है ओके एम जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है तो इट मीन्स दैट अगर मैं एन कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर ले रही हूँ एम का तो हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं लेस देन इक्वल टू वन आ रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन क्या होगा नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन प्लस नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन ही एट या एट से छोटा है इट मीन्स दैट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन भी क्या होंगे लेस देन इक्वल टू वन होंगे देन हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन इज लेस देन इक्वल टू वन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने होते हैं जी कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप है एक आर्बिट्री ग्रुप है तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन अपॉन फाई एन तो ये क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन तो इट मीन्स दैट हमारे पास क्या आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है लेस देन इक्वल टू वन आ रहा है लेस देन इक्वल टू फाइव एन आ रहा है देन आपको क्या पता है कि बाय लैग्रांज थ्योरम हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी आपने कोई भी एलिमेंट लिया ग्रुप जी का तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे किसको डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी क्या है एम है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या करेगा एम को डिवाइड करेगा
तो अब मान लिया कि M के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं, हम मान लेते हैं कि लेट से पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ M आर A1, A2 अप टू AR, ओके। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ G जो M है वो किसके बराबर होगा, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो इट मीन्स दैट एलिमेंट का ऑर्डर या तो A1 हो सकता है या फिर A2 हो सकता है या फिर AR हो सकता है। तो इट मीन्स दैट M क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A2 प्लस सो ऑन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर AR। तो लेट्स से इसको एक बार कट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A1 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A1 लेस देन इक्वल टू 5A1 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, M इज लेस देन इक्वल टू 5A1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A2 इज लेस देन इक्वल टू 5A2, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 5AR, ओके। और ये क्या है, A1, A2 अप टू AR सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स है M के। तो बाय दिस रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ये नंबर एक्चुअल में किसके बराबर है, M के बराबर है। तो M जो है वो लेस देन इक्वल टू MR है, बट हमें क्या पता है कि M M के बराबर है। इट मीन्स दैट कहीं पे भी इनइक्वालिटी नहीं हो सकती, आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि M इज लेस देन दिस नंबर। M को क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसी के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे आया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A1 इज लेस देन इक्वल टू 5A1, हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A1 इज लेस देन 5A1, अदरवाइज ये चीज आपके पास होल्ड नहीं करेगी। M जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लेस देन M आ जाएगा। मान लिया कि अगर होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर A1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5A1, तो हमारे पास फाइनली क्या आता, M इज स्ट्रिक्टली लेस देन M, विच इज अ कंट्राडिक्शन। इट मीन्स दैट हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर AI जो है वो किसके बराबर है, 5AI के बराबर है। AI आपने कोई पॉजिटिव डिवाइजर लिया M का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर AI क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है 5AI के। हमें क्या पता है कि M का पॉजिटिव डिवाइजर 8 क्या हो रहा है, M ही हो रहा है। M जो है वो डिवाइड कर रहे हैं M को। इट मीन्स दैट इनमें से AI इन AIs में से 8 क्या है, M है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर M जो होंगे वो किसके बराबर होगा, 5M के बराबर होगा। अब 5M जो है वो हमेशा 1 या 1 से तो बड़ा होता है। 5M क्या डिनोट करता है, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट A, A इज इन बिटवीन 1 to M सच दैट GCD ऑफ A एंड M इज 1। तो 1 एंड M का GCD तो 1 आएगा ही आएगा, तो उस सेट में 1 तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इट मीन्स दैट 5M, M आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया तो 5M जो है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होने वाला है। तो ये आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G फ्रॉम G सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू M। तो हमें क्या मिला, एक एलिमेंट मिला G जिसका ऑर्डर किसके बराबर आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, G जो है वो क्या है, इट साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जी जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। इट मीन्स दैट ऑप्शन बी जो हुआ वो भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, ओके। देन आगे ऑप्शन सी है, इफ जी इज साइक्लिक, जी फाइनाइट है और साइक्लिक भी है, देन फॉर एनी टू सब ग्रुप ए एंड बी ऑफ जी, इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हमें कॉन्वर्स की बात की गई है कि जी अगर एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है सच दैट अगर आप इसके कोई भी दो सब ग्रुप्स ले रहे हो ए एंड बी, तो या तो ए बी का सबसेट हो रहा या फिर बी ए का सबसेट हो रहा। तो लेट्स से हमने क्या लिया, जी को किसके बराबर ले रहे हैं, लेट्स से जी हम क्या लेते हैं, जेड सिक्स लेते हैं। जी क्या है, जेड सिक्स है। जेड सिक्स आपको पता है जेड एन हमेशा क्या होता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ऑर्डर एन का। तो ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 6 है। अब इसमें आप देख सकते हो अगर मैंने एक सब ग्रुप लिया जो कि क्या है, 2 से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0, 2 एंड 4। देन आपने एक सब ग्रुप लिया जो 3 से जनरेट हो रहा है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 एंड 3।
तो हम देख सकते हैं ना ही दिस, ये जो सब ग्रुप है एच वन और ये सब ग्रुप जो है एच टू, ना ही एच वन एच टू का सबसेट है और ना ही एच टू एच वन का सबसेट है। इट मीन्स दैट ऑप्शन सी जरूरी हो, ये चीज़ जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इट मीन्स दैट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी है, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर एम डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ जी, जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो एम जो है वो एक पॉजिटिव डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ जी का। तो बोला गया है जी के पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर एम है, हर एक पॉजिटिव डिवाइजर ऑर्डर ऑफ जी के हर एक पॉजिटिव डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक सब ग्रुप मिल रहा है। तो पूछा गया है क्या जी एबिलियन हो रहा, तो लेट से इसके लिए हम क्या लेते हैं, जी को आपने क्या लिया, एस थ्री लिया। ओके, एस थ्री क्या है, एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, बट हम देख सकते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, सिक्स है, और सिक्स के आप पॉजिटिव डिवाइजर्स लोडे कौन कौन से आएंगे, वन टू थ्री एंड सिक्स। ऑर्डर वन का सब ग्रुप आपको यहाँ पे मिलता है, ऑर्डर टू का सब ग्रुप भी यहाँ पे मिलता है क्योंकि ऑर्डर टू का एलिमेंट मिलता है, तो ऑर्डर टू का सब ग्रुप क्या हो रहा, जो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा। देन ऑर्डर थ्री का सब ग्रुप भी आपको मिलेगा जो इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा। देन ऑर्डर सिक्स का सब ग्रुप भी मिलेगा जो इटसेल्फ क्या है, एस थ्री है। तो हमें ऑर्डर वन का भी सब ग्रुप मिल रहा है, ऑर्डर टू का भी सब ग्रुप मिल रहा है, ऑर्डर थ्री का भी सब ग्रुप मिल रहा है एंड ऑर्डर सिक्स का भी सब ग्रुप मिल रहा है, बट जी एबिलियन नहीं है। तो इट मीन्स दैट ऐसा जरूरी हो कि जी एबिलियन ही हो रहा, ये चीज़ गलत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए एंड बी ट्रू हुआ एंड सी एंड डी क्या हुआ, गलत हुआ। ओके।